अभी मैं यहाँ पर नैना को बुलाने आई थी कि चलो सुबह सुबह हम चाय पी के आते हैं। ये रहा नैना का रूम और नैना के घर के आगे का व्यू देखें कैसा। और यहाँ पर सब कश्मीरियों का घर है। यहाँ पर ये वाले गेस्ट हाउस नहीं है, ये सबके अपने अपने मकान। वहाँ पर देखें छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट ऐसे दिख रहे हैं ना, वो भी छोटे छोटे से मकान है। इसे मैं ऐसे क्लोज करती हूँ शायद दिखे। ये देखो ये छोटे छोटे घर हैं। और इसके अलावा हमारे बिल्कुल फ्रंट पे इस तरह का बहुत ही प्यारा सा व्यू है। फिलहाल नीचे चलते हैं और आज हम ये वाली जगह छोड़ने वाले हैं। छोड़ने का तो दिल ही नहीं कर रहा, इतना प्यारा माहौल यहाँ पर बनाया हुआ है। यहाँ पर सुबह सुबह वैसे आग भी जला कर देते हैं। और ये रहा हमारा रूम, इसके पास वाला यहाँ पर कोई और रह रहा है। और यहाँ से यहाँ का व्यू देखते हैं। दोनों पहले ही उठ गए हो, क्या हाल है काशिफ भाई? आप सुनाए आपका क्या हाल है? दिल लगा हुआ है? हाँ, ये वाली चीज तो वाकई में कोई मिस नहीं कर सकता। क्रिश बन जाए, क्रिश बल्कि ऋतिक रोशन तो आप हैं, यहाँ पर क्रिश बन जाए। उड़ के क्या जाएगा, हमें भी लेके जाएगा। ये जो हम टेढ़े मेढ़े रास्तों से गाड़ियाँ लेकर जा रहे हैं ना, आप डायरेक्ट इन पहाड़ियों के वो दूसरी साइड से हमें पहुँचा दीजिएगा। हाँ देखना भी डर लगता है। उड़ना तो दूर की बात, काशिफ भाई तो नीचे की तरफ देखते भी नहीं है, बहुत डर लगता है इनको। इसी दुनिया में रखो कश्मीर में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम रखोगे। इंशाल्लाह भूल रहे हो, आज तो हम ऐसे भी यहाँ से चले जाएंगे। इतनी खूबसूरत जगह को छोड़ने का किसका दिल है। यहाँ पर जो आ जाता ना, वो मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ से वापस जाएगा। इतना बहुत प्यारी जगह है ये। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ पर हमने स्टे किया है, बेहद खूबसूरत जगह। किसी को घूमने फिरने के लिए यहाँ पर आना है ना, तो ग्रीन 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 मैं दोबारा से बोल देती हूँ, ग्रीन विलेज रिजॉर्ट पे आप ज़रूर ठहरिएगा, क्योंकि यहाँ का व्यू पूरा कश्मीर दिखता है। बहुत खूबसूरत व्यू है। इसके अलावा सुबह सुबह चाय पीने का दिल कर रहा है, चाय पीते हैं। और आज तो हम ये वाली जगह भी छोड़ने वाले हैं, दिल नहीं है। एक दिन का हमारा यहाँ पर स्टे था और हो सकता है यहाँ से हम वापसी में, क्योंकि हम मरी बिल्कुल भी नहीं रुके, मरी पर हम शायद जाएं वहाँ पर एक दिन वहाँ रुकें। जो भी होगा फिर वो मैं आगे शेयर करूँगी। फिलहाल चाय पीते हैं और मेरी नाक देखें सुबह सुबह उठ के कैसे मोटी हो जाती है। आँखें सूज जाती हैं, नाक मोटी हो जाती है। ये नींद से जब मैं उठूँ ना, तब मेरे साथ यही होता है। और हाँ एक और बात, ये वाला ड्रेस भी मैंने कश्मीरी पहना है आज। मैंने शॉल भी यहाँ से लिए छोटी सी। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर लॉन्ग लॉन्ग कुर्ते पहनते हैं ना, बड़े बड़े से लूज से मोटे वाले कुर्ते, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है ना, तो मैंने वो वाला कुर्ता वैसा ही पहना। यहाँ पे सही है, कहीं भी खड़े हो जाओ। ये इधर हमने चाय पीनी थी और ऊपर सब तैयार होके बैग बैग पैक भी कर दिया, और हम अपनी तस्वीरों में और अपनी चाय में भी तक हैं। माशाल्लाह से बहन एडिट भी नहीं करा। रास्ते में एडिट करेंगे, ठीक है? अब ये वाली जगह बस बना रहे हैं पिक्चर ये रेडी बस तस्वीर बस खींच ली। ये देखो बन गई वीडियो में से ही। हां वीडियो में से पिक्चर ले लो, सही है, वीडियो भी बन जाएगी तस्वीर भी बन जाएगी। ये पल हमें याद आएंगे, अभी चुप हो गए। और काफी लोग एक सेकंड में चाहती हूँ तुम गाना सुनाओ। कौन सा गाना? कोई भी सुनाओ, इस इनको देख के इनकी खूबसूरती के मुताबिक। देख के ये पल हमें याद आएंगे, और आगे पता नहीं। मैं चुटकी बजा लगी थी, ये कोई तरीका? अच्छा, ये पल हमें याद आएंगे। आगे आगे पता ही नहीं क्या बस है। बस हमें यही याद है क्योंकि हम आगे कुछ लिख पाना चाहे। जी जी ये आप कोई पहना, यहाँ पर पहनोगी, यहाँ रखने माथे पे। आए सामने तुम नहीं देखो, अब देखो आयत कैसी प्यारी लग रही है, क्या पहन लो आयत, पहन लो। अच्छा ये वाली पहना दे, ये वाली ये रेड। वाह आयत इसमें तो ज्यादा प्यारी लग रही है इस कैप में। वो देखो, बस वो क्या है, वो देखो यहाँ पे गोट भी है। इसकी तो फ्रॉक भी साइड से फट गई, और इसके साथ का जो वो था ना, इसके साथ की जो शलवार थी उसका लास्टिक ही नहीं मिला। सबकी छोटी छोटी यादें मम्मा ने लिए, एक मुस्तफा अभी तक सो रहे, मुस्तफा की भी लेनी है। आयत की तो थी ही नहीं, कैप के बगैर ना इसकी ज्यादा अच्छी पिक्चर आ रही है। इधर ही रुको, अभी रुक जाओ। हाँ इधर, गुड गर्ल। आयत तो बहुत अच्छी बच्ची है, इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर अब पिक्चर बन गई आयत की। अब खुद भाग रही है खड़ी खड़ी, एक दो यहाँ पर लिए और अब जा रही है, अब किसी की नहीं सुनेगी। बस आयत जा कैसे रही है, किसी की सुन ही नहीं रही, इतनी मुश्किल से इसने पिक्चर बनवाई है। बाबर छोटी कश्मीरी को देखा है मेरी? हाँ लगती है ना कि यहाँ की है,
ये पूरी यहाँ की लग रही, इसने इतना तंग किया ना इस ज्वेलरी को, कहती है निकाल दो बस। मम्मी खोलो, मम्मी आज तुम ऐसे ही रहोगी। आ रही कान छूट गई, चलें आप। ओ डीडी भाई भी आ गए इतना बड़ा बैग लेकर, बस एक ही बैग था और भी सामान है। या मरहबा अहला वसहला, ये तुम्हारा वेलकम कर रहे हैं। और वेलकम मूवी का यहाँ पर घर भी बना हुआ। मैं तो हैरान हूँ, वो जो चोटी पे ऊपर छोटे छोटे मकान बने हैं वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। वहाँ पर मैंने एक जीप भी देखी, इतनी सी। हाँ, इतनी सी होगी जीप भी। अच्छा बाबर बता रहे हैं कि यहाँ पर जीप है, थोड़ी थोड़ी सी मुझे दिखी है। इसको जूम करते हैं कि 13 प्रो मैक्स कितना काम करता है, बिल्कुल भी काम नहीं करता। इतनी ऊंचाई ये वाली थी, हाँ ये वाली छोटी सी है, बिल्कुल व्हाइट कलर की दिख रही हो। बस ये देखो तो पहाड़ भी तो कितने ऊंचे हैं, और कितना जूम करे ये 13 प्रो कितना जूम करे, बहुत ऊंचे हैं पहाड़। अच्छा। अभी बाबर जूम कर रहे हैं कि इसके मोबाइल में दिखती है या नहीं। दिख गई ये तो अभी भी जा रहा है। हाँ दिख गई, ये 12 प्रो मैक्स है, इसमें तो दिख गई जीप। ये इस जगह, हाँ ये रही, इसमें जीप दिख गई। 13 प्रो मैक्स में इसका जूम फिर अच्छा नहीं है, इसका जूम अच्छा नहीं है। ना मैंने सस्ता मोबाइल लिया था, सस्ता नहीं, 12 प्रो मैक्स है इसके पास। इसमें जीप दिखी। अच्छा अभी मुझे याद आ रहा है, जब ये देख लो, कम पैसे भरो अच्छी चीज ले लो। हाँ ज्यादा कम पैसे भी नहीं है, थोड़ा सा मैं जाके जूम मारूंगी सब कुछ दिखा दे, वो उसका जूम है ही नहीं। इसका रिजल्ट अच्छा है, सिर्फ इसका जूम अच्छा नहीं है। कैमरे का रिजल्ट अच्छा, सही से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ नहीं था। अभी दिखाती हूँ कहाँ गई, ये रही जीप। इतनी भी 13 प्रो मैक्स की बुराई मत करो, ये रही जीप, दिख गई, ये रही लग रहा चल रहा है। हाँ ये रही मिल गई जीप, ये फाइनली जीप, ये आ गई। जिसकी भी जीप है ना उसको सात तोपों की सलामी। हाँ कि इतना ऊंचाई पे ये जीप ले कैसे गए, बहुत ऊपर है ये देखो। हम लोग इतने ऊपर है, वो तो वहाँ पर है। इतनी छोटी सी चूंटी दिख रही है, तो हमारी गाड़ी एक बार ऐसे लगा के पीछे जा रही है। सब बैठ गए, हाँ एक जगह पे नहीं हूँ, ऐसे से जा रही गाड़ी ऊपर ही नहीं जा रही थी, फिर एक जगह पे बिल्कुल रुक गई। हाँ। बाद में मैं सब ना चीखे मारना शुरू हो गए। वैसे मैं चाय पीने जा रही हूँ, चलना। अभी बोलोगे नहीं तो फिर भी मुझे पता चल गया। यहाँ के प्लांट भी हमें बहुत याद आएंगे, इतने खूबसूरत प्लांट। खाने नहीं, खाने नहीं है, देखने के लिए बस। अच्छा अच्छा तुम अभी भी वैसे बकरी बन सकती हो। हाँ वैसे जो वहाँ की बकरियाँ है ना, यहाँ की खूबसूरती देखे ना तो बोलेंगी हरा भरा घास पहले हम खाएं, उनकी यही विश होगी बकरियों की, जानवरों की। बकरियाँ ऐसे पेट फुल है उनके, हर हाँ। जगह पे गाय तो वो खुली छुट्टी हुई है ना, अपनी मर्जी से खाती रहती। रास्ता कितना खूबसूरत है, कितनी प्यारी जगह है। सुनाओ आप, गाड़ियाँ नहीं निकल रही हमारी, आज पता क्या है? हाँ। आज हमारा दिल था जल्दी जाने का, तो उन्होंने बोला जल्दी। ठीक है, तुम लोग रोज जल्दी करते हो, मुझे पीछे छोड़ जाते हो ना। आज देखो इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसकी भी गाड़ियाँ आगे लगी हुई। अच्छा, आज ही मेरी गाड़ी निकल आएगी। आज बहुत अच्छा किया जिसने भी आगे गाड़ियाँ लगाई है ना, इनको थोड़ा सबर तो है। सुबह सुबह उठ के ना तैयारी करके निकल पड़ते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग में ना जाके। नहीं अभी भी मॉर्निंग ही लग रही है, अभी भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पर बैठते हैं, अभी चाय पीते हैं, सुकून से निकलेंगे। और यहाँ पर चाय मिलेगी, और अंदर कोई बैठा ही नहीं है जो चाय बना देगा, लगता है सोया हुआ है अभी। हम तो सुबह सुबह उठ गए। उठ गए? उठ गए। नहीं वो मुझे कॉफी नहीं, कॉफी नहीं चाहिए मुझे, चाय चाहिए। हाँ मुझे कॉफी दे दो। और कितना चाय चाहिए? एक दो, काउंट कर लो ना, चार चाय और एक कॉफी। और जहाँ पर अभी हम खड़े हैं यहाँ पर देखें, एप्पल से ये फुल भरा हुआ है। इस पे माशाल्लाह से एप्पल बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, फुल लदा हुआ है, ये कहीं से भी खाली नहीं है। यहाँ से कल बच्चों ने आकर तोड़े भी हैं, ये वाले एप्पल थोड़े बड़े वाले हैं। चलें हम नीचे, चलें वहाँ पर देखें, सारी गाड़ियों में हमारी गाड़ियाँ अंदर फंसी हुई हैं, और कब से वेट कर रहे हैं कि गाड़ी हमारी बाहर आए तो हम यहाँ से फिर रवाना हो। कश्मीर की चाय का कलर भी बहुत है। वाला आगे इसकी कॉफी नहीं है भाई। कॉफी कहाँ? कॉफी का ऑर्डर दिया था भाई। कॉफी का ऑर्डर दिया था। कॉफी कहाँ? मेरी कॉफी कहाँ? जब भी चाय पियो ना कहती मम्मी चाय, एक घूंट बस पीती है ये। आज आज जल्दी से आज, नींद से अभी उठ रहे हैं ये सब। ये वाले फ्लावर तो मैं अभी देख रही हूँ, ये रोज है ना। ये रोज है, ये पिंक वाला रोज।
और अब जाकर धूप निकली है। ये रहा सूरज। सामान यहाँ से निकाल लिए, गाड़ी में भी रख लिए, चाय भी पी लिए, नाश्ता किसी ने नहीं किया, बच्चे भी अभी उठे हैं, तो बस इस खूबसूरत सी जगह को बाय बाय बोलते हैं। फिर नसीब होगा तो फिर यहाँ पर आएंगे है। और बस यहाँ पर खूबसूरत सी हमारी यादें रह गई हैं। बाय बाय। सब यहाँ से जा चुके हैं, गाड़ियों में बैठ चुके हैं, एंड में मैं ही हमेशा रह जाती हूँ। बैठ गए सब। आयत मेरी कश्मीरी आयत, आप कहाँ से आ गई हो बीच में? हाँ नैना कहाँ से आ गई हो? चलो जी, बाबर वालों की गाड़ी भी फुल भर चुकी है, तैयार हैं सब नीचे जाने के लिए। बस बिस्मिल्लाह करें और यहाँ से रवाना हो चलें। अभी भी यहाँ से ऊपर का रास्ता बना हुआ है, ऊपर भी जाते हैं लोग। अभी ये ऊंचाई हमारी खत्म हो जाएंगी, बस जो कल से सारे डर रहे थे ना। हाँ वो देखो, वो वाला रोड देखो कैसे छोटा लग रहा है, नीचे उतरने में ज्यादा डर लग रहा है। घर देखो, घर 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 ने ना, वो भी कश्मीर ही है। अच्छा ये कश्मीर इंडिया में है, वहाँ पर हम नहीं जा सकते। ये देखो बीच में नदी है। और कश्मीर सच में बहुत खूबसूरत है, जो सुनते हैं, जो के वीडियोस में देखते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि वीडियो से ये ज्यादा खूबसूरत है। शुक्र है कि अभी थोड़ा सा नीचे आ गए, अभी भी बहुत ऊंचाई पे है। वैसे ये सामान ऊपर लेकर जा रहे हैं, यहाँ पर डर लग रहा है। यहाँ पे बहुत डर, देखा तो एक बार। ओ ये वाली जगह है। नहीं अभी तो काफी नीचे आ गए ना, लेकिन बहुत ज्यादा क्लोजली है। हाँ ये है कि यहाँ से जो रोड के पास बिल्कुल कोई स्पॉट नहीं है ना, यहाँ से देखते हुए थोड़ा डर लगता है। चलो अब हम नीचे आ गए नदी के पास, बिल्कुल थोड़ा सा रास्ता है, एक ही मोड़ बचा है। और अब हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और अब हम पहुंच गए हैं डैम के पास। परसों हम आए थे ना, तो डैम तक पहुंचते पहुंचते कितना हमें टाइम लगा। यही कुछ रास्ते थोड़े खतरनाक हैं, ऊपर नीचे गाड़ी को हिला देते हैं। इसी हम उस रिजॉर्ट से बाहर आए, वो जो खतरनाक रास्ता सा नीचे उतरे, उसके बाद जो मेरी हालत हुई है, सर में दर्द एकदम से, हल्का हल्का खैर था, लेकिन एकदम से इतना तेज हुआ जैसे वॉमिटिंग हो रही हो, और पड़ता जो एक साइड वाला है ना वो शुरू हो गया था। तो बस फिर मैंने उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया, सो गई थी, इसीलिए एकदम से इतना जल्दी डैम भी आ गया और हम यहाँ तक पहुँच गए। एक घंटा तकरीबन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, तो अभी एक घंटे का और है रास्ता, तकरीबन एक घंटे का और है, जहाँ पर हमारा स्टे है वहाँ तक इंशाल्लाह एक घंटे तक पहुँच जाएंगे। और कल हमने यहाँ से पकौड़े लिए थे। बकरी को जाने दो, करो, बकरियाँ यहाँ घूमती रहती है ना। हाँ इन लोगों ने टेंट लगाया और अपना खाना वाना बना कर आए, यहाँ पर अपनी पार्टी कर रहे हैं। स्लिम दिखते हैं? नहीं। हाँ दूर से देखने में ऐसा लगता है कि प्लास्टिक के लगे हुए, प्लास्टिक के नहीं है, ओरिजिनल है, बहुत प्यारे लग रहे हैं वैसे। ये बारिश हो रही है। चलो बाबर को इस चीज का बहुत ज्यादा दुख है कि कल हमने कश्मीरी ड्रेस पहना, कपड़े पहने, और उसके पास कैप नहीं थी, तो ये लो, ये मेरे हस्बैंड की कैप है, मैंने कहा तुम। अच्छा 2 मिनट तो पहन सकता हूँ ना? हाँ नहीं 10 मिनट पहनो, 20 मिनट, अब तुम पिक्चर अपनी बनाओ इसके साथ, ठीक है? इसके साथ इसकी पिक्चर भी नहीं आई। और बाप दिलबर की तो है ना? मेरी है, मेरी है। मैं मेरा वो था कि कल हम सारे एक जैसे कपड़े पहनेंगे, लेकिन किसी ने पहन काजी भाई सुना है, क्या हाल है आपका? हाँ ठीक है, अभी थोड़ा दिल इनका डरा हुआ है, डरे हुए बहुत ज्यादा। तो वहाँ चले जाए आप ऊपर से आ जाओ, नहीं ऐसी जगह पर हमें चाय मिल जाए तो अगली पार्टी ना, हम एक छोटा सिलेंडर और ये चीजें लेके आएंगे साथ में, ये चीजें साथ में होनी चाहिए। कहीं पे भी वैसे बैठ के हम अपनी चाय, लोग बना रहे थे रास्ते में, देखा नहीं? हाँ पार्टी कर रहे थे, पार्टी वार्टी सी कबाब सब बना रहे थे। चलो दिलबर एक इसकी बना दो, बेचारे की एक कश्मीरी पिक्चर नहीं है, एक तो इसकी पिक्चर होनी चाहिए, कश्मीर में एक तस्वीर भी नहीं है। पहाड़ी तो हो कम, व्लॉग बहुत है, तस्वीर किसी ने नहीं बनवा। अच्छी अच्छी पिक्चर लेना इसकी। काशिप भाई आपकी पिक्चर मैं लूं? आपकी तो है नहीं, आ जाएं, आप भी आ जाएं। आपने पहाड़ों में तस्वीरें बनवाई हैं? अपनी बनाई थी आपकी? अच्छा एक दो मैं भी बनाती हूँ। यहाँ पर कितनी गहराई है काशिप भाई, आप आकर देखे जरा, यहाँ पर खूबसूरती भी बहुत है, गहराई भी बहुत है, वो गहराई ऐसा ये कम है ना। यहाँ पे पहाड़ी हो रही है, बारिश हो रही है, और बारिश में शादी हो रही है, वो देखो शादी हो रही है।
अरे दूल्हा कितना अच्छा था, दुल्हन भी चलो आ जाओ। मुबारक हो भाई साहब। भाई साहब कहाँ गए? नैना सबकी पिक्चर बनाती रहती है। नैना ने बहुत अच्छी पिक्चर सबकी क्लिक की है। तो थैंक यू सो मच नैना, यहाँ का बहुत ही प्यारा व्यू था, बहुत ही प्यारी जगह, हल्की हल्की बारिश भी यहाँ पर हो रही है। तो अब जाते हैं, सारे अंदर बैठ गए हैं और मेरे ऊपर ही ज्यादातर चिल्लाया जा रहा है कि मैं लेट कर देती हूँ, आ रही हूँ आ रही हूँ। इतना हसीन मौसम है यहाँ का, इतना प्यारा मौसम है बहुत, और हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। तो बस अभी यहाँ से निकलते हैं, काफी देर हम यहाँ पर रुक गए थे, थोड़ा दिमाग भी फ्रेश हो गया है। अभी तक मैंने नाश्ता नहीं किया, कहीं पर भी मुझे चाय मिलेगी ना तो मैंने चाय के लिए जरूर रुकना है। और इसी तरह से हल्की हल्की बूंदें हमारी गाड़ी पे इतनी अच्छी, मेरे हस्बैंड बार बार यहाँ से हटाते हैं, साफ करते हैं रास्ता देखने के लिए। देखो फिर से साफ कर दिया, लेकिन यहाँ पे तो है ना अच्छा लग रहा है। शायद का यहाँ तक पहुँचने तक कपड़े कैसे हो गए जी? मम्मा फ्रॉक सारी फट गई सफर करते करते, थोड़ी सी फटी हुई थी अब सारी निकल गई। खाना खा के जाएंगे, व्यू यहाँ का बहुत खूबसूरत है। जिस होटल पे भी रुके हैं यहाँ पर रूम भी मिल रहे हैं। मेरा सर फट रहा है, शदीद तबीयत खराब हो रही है। अभी शाम के कोई 5-6 का टाइम हो रहा है, और वहाँ रास्ते में जो मेरी हालत हुई है, पता है ये मुसलसल क्यों चल रहा है? क्योंकि मुसलसल हम सफ़र कर रहे हैं, कहीं पर रुक ही नहीं रहे। मैं जितना बोल रही हूँ सबको कि यहाँ पर एक दिन रुक जाएं, दो दिन रुक जाएं, कम से कम हम रेस्ट करेंगे, हमारी तबीयत सही होगी तो हम अगले सफ़र के लिए निकलेंगे। लेकिन किसी को भी यहाँ पर स्टे नहीं करना, बस आना है, वीडियो शूट करनी और फ़ौरन निकलना है। थोड़ा सुकून करो, जिसकी वजह से तैयबा रास्ते में, तैयबा की और आयत की ख़ास तौर पर तबीयत बहुत ख़राब हुई है। आयत को बहुत वॉमिटिंग हुई है, उसके साथ साथ मुझे बहुत ज़्यादा हुई है, और साथ साथ एक साइड पे मेरे सर का दर्द शुरू हो गया था, बीच में थोड़ा ठीक हुआ, फिर यहाँ पहुँचने तक जो मेरी हालत हुई है ना, यहाँ पे किसी की तरफ से हमें लंच भी था जो कि फिर मैंने नहीं किया। बाबर की फैमिली, दिलबर की फैमिली, नैना सब लंच पे गए, और इसी होटल पर ही लंच था, और शायद वो साथ भी आए थे जिन्होंने लंच दिया हमें, लेकिन मुझे बुलाते रहे। मैंने कहा मैं आज इधर ही नीचे रोड पे लेट जाऊंगी, मेरी आज उठने की हिम्मत नहीं है। तो मैंने फौरन यहाँ पर आते ही मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे रूम चाहिए बस, वरना मैं बाहर लेट जाऊंगी। मेरे हस्बैंड मना करते रहे कि यहाँ पर रूम मत लो मत लो, हमें और आगे जाना है। अभी इनको और आगे सफ़र करना था, 3 घंटे लगातार मैं और सफ़र नहीं कर सकती थी, मेरी हालत पूरी हो गई थी कि मेरा दिमाग फट रहा था, जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड कितने 3-4 घंटे हो गए मैं आकर यहाँ पर रूम लिए, बच्चों को लिटाया, उनको फ्रेश कराया, मेरे हस्बैंड अभी तक अंदर नहीं आए, उसी टाइम के नाराज़ हुए कि यहाँ पर रूम नहीं लेना, अभी और आगे सफ़र करें, सफ़र करो, बर्दाश्त करो, बाद में आगे चल के लेंगे। तो खैर ये सब लाइफ का हिस्सा है, पहले अपनी सेहत होनी चाहिए। अगर मैं ठीक ना हूँ, ना ही मैं व्लॉगिंग कर सकती हूँ, ना ही मैं बच्चों को संभाल सकती हूँ, इससे मज़ीद मेरी तबीयत ख़राब होती, तो फिर वही होता कि अगर हम डॉक्टर या हॉस्पिटल या फिर कहीं पे भी जाते तो वैसे भी तो टाइम वेस्ट होना था, जो कि उनको लगता है कि मैंने यहाँ पर रुक के टाइम वेस्ट किया है। खैर बाकी नैना बाबर सब आगे चले गए, पता नहीं, मुझे अभी पता नहीं, अभी कॉल करूँगी कि आगे सब कहाँ चले गए और हम यहाँ पर रह गए। अभी काशिप भाई को भेजा है कि जाए मेरे हस्बैंड को ढूंढें, उनको मना के लेकर आएँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और 6 बज गए अभी तक मैंने फिर खाना भी नहीं खाया, अभी मेरी जाग हुई है तो मैंने कहा है कि अब चल के खाना खाते हैं कहीं से। आपके तो दोस्त हैं आपके साथ आ जाएंगे, आप उसको ले तो आए। नहीं, बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की। हाँ। पक्का नाराज हो गए आज? अच्छा काशिप भाई आप खुद बताएं, अगर इससे ज्यादा मेरी तबीयत मजीद खराब होती हम हॉस्पिटल जाते, वहाँ पे भी तो टाइम लगना था ना, आखिर वहाँ पे और टाइम वेस्ट होता। मेरी हद से ज्यादा तबीयत खराब हुई, इनको यकीन नहीं हो रहा था, इनको लगा नहीं ये बैठी रहेगी, अभी कुछ देर और भी बैठ सकती है। काशिप भाई कह रहे हैं कि तुम खुद चलो ले आओ, वो ऐसे तो नहीं आएंगे, 6 बजे अभी तक नहीं आ रहे अंदर रूम में। कहाँ घूम रहे हैं? पीछे पार्क में। पार्क में घूम रहे हैं? चलो चलते हैं फिर। सर दर्द का इलाज ये है कि खाना तो आज मिला नहीं है, फिर मैंने चाय अपनी ऑर्डर की है, वो भी फ्रेश मिल्क की नहीं है, चाय पी लें फिर चलते हैं। काशिप भाई, काशिप भाई वेट कर रहे हैं, अभी तक वही कपड़े हैं, हमारी गाड़ी सामने रही, सारा सामान उसमें पैक है, चाबियां हस्बैंड के पास, मेरे भी वही खुद के कल वाले ही कपड़े हैं, गाड़ी में सब कुछ पड़ा हुआ है, सोचा कि फ्रेश होती हूँ चेंज करती हूँ, देखा तो कपड़े हैं ही नहीं, सब कुछ गाड़ी में। अब जाते हैं अपने हस्बैंड को मनाते हैं, जब तक वो नहीं मानेंगे आगे तक हमें लेकर कौन जाएगा। देखिए साथ साथ सारे रूम है, रूम से बाहर बैक वाली साइड है शायद, यहाँ से पार्क है और इधर गए हुए पर है आगे हैं। ये पार्क इन होटल वालों का है, तो यहाँ पर खेलना शुरू हो गए। आयत आपको किस लिए भेजा था?
हाँ कि पापा को लेकर यहाँ खेलना शुरू हो गए। चलो खाना मंगवाए, ठंडा हो रहा है, आ जाओ। तो आयत को आने दो, आयत को आने दो। ऐसे नहीं आना आयत, देखो चल रहे हैं नहीं चल रहे। हाँ क्यों? अभी मैं बच्चों के साथ। तो बच्चे भी अंदर जा रहे हैं, सारे चल रहे हैं। खाना आया हुआ, आ जाओ। कब खाए वाले पूछने, ये आदमी कब से कौन आदमी है? होटल वाले कह रही आदमी कौन है? काशे भाई बोल रहे थे ना कि आदमी बाहर ऐसे घूम रहा है, कब से किसका आदमी है ये? यहाँ पे रूम भी नहीं लिया हुआ, ऐसे खड़ा हुआ है। हाँ शुक्र है, थोड़ी स्माइल तो आई है। हाँ नहीं, वो कहते हैं इनकी कोई बुकिंग ही नहीं है, कब से ये आदमी घूम रहा है। चल रहे हैं या नहीं चल रहे? उठ जाओ। चल रहे हैं नहीं चल रहे? आप चल रहे हो? चले, खाना ठंडा हो जाएगा। आपने खाया हमारे बच्चों को ले चले, बच्चे नहीं आ रहे, फिर बच्चों ने नहीं खाया, बच्चों की खातिर। चलो काशे भाई आप मनाए, आप ले चले। तो चलो चलो, तो मनाना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। खाना हमने मंगवा लिया था, ठंडा हो रहा था यहाँ पर। यहाँ के कश्मीरी नान है, कश्मीरी हमने डिश मंगवाई है यहाँ की। भाई आप तो आए, आप तो खा लें, आप क्यों बैठे? साहब जी नहीं खा रहे, हम क्या कर सकते हैं? अब मनाएं अपने दोस्त को। हम भी भूखे रहेंगे। अच्छा उठ जाए, अब इतनी मेहनत सारे कर रहे, आ जाए खाना खा ले। अब उठे जब बच्चे बैठे हुए सारे, सिद्दीकी मेरा बच्चा। आयत आयत के देखो, आयत के हाथ से खा लिए। आयत आयत सब मना रहे थे, किसी का भी कहना नहीं माना। देखो आयत खुद भी खा रही है और अपने पापा को भी खिला रही है। तकरीबन रात के भी 11 बज रहे हैं। इतनी कोशिश की है ना कि ठीक हो जाऊं, व्लॉग शूट कर लूं। व्लॉगिंग नहीं हुई, तबीयत ठीक नहीं हुई, जाहिर सी बात है। रास्ते में मैंने 2 टैबलेट ली सर दर्द की, वहां पे भी आराम नहीं आया। फिर यहाँ का रूम लिया, थोड़ा सा आराम किया तो कुछ बेहतर हो गया था। फिर जब हस्बैंड को मनाने के लिए सच में दिमाग घूम के, वो मान ही नहीं रहे थे। मैंने अब अच्छा नहीं लग रहा कि हमने यहाँ पर रूम लिया और वो खुद बाहर घूम रहे हैं, बाहर बैठे हुए अंदर नहीं आ रहे थे। तो ये चीज़ भी मुझे अच्छी नहीं लग रही थी कि नहीं अंदर ले आऊँ, कि अब रात को कहाँ पर बाहर घूमते रहेंगे। तो उसी वजह से फिर खाने पे आते आते खाना फिर उन्होंने नहीं खाया, खाना हमने वापस वैसे रख दिया, कहते नहीं मैंने बाहर से खाया। तो उसी वजह से फिर जो थोड़ा ठीक हुआ था ना, वही फिर से बढ़ गया। तो दोबारा मैंने फिर टैबलेट ली है, चाय मंगाई है, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो मैं अभी जाकर सोती हूँ, आराम करती हूँ। लाइट सब कुछ मैंने ऑफ की हुई है बाहर, के बच्चे सारे सो जाए तो थोड़ा सा मुझे भी सुकून मिले। और सुबह तक भी अगर तबीयत मेरी ठीक नहीं तो मैं फिर डॉक्टर को दिखाऊंगी कि बीपी मेरा हाई है या लो है, जिसकी वजह से सर दर्द की टैबलेट तो असर नहीं कर रही। तो अभी सर की ये वाली साइड थी, अभी दूसरी साइड है, ऐसे 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 हो रहा है। तो मैं जाकर सोती हूँ, कल मिलूंगी। दुआ कीजिएगा कि सुबह तक मैं फ्रेश उठूँ ताकि एक फ्रेश व्लॉग बन जाए, वरना फिर हम इतनी प्यारी प्यारी जगह यहाँ से मिस कर देंगे और वापस फिर वहीं घर पहुँच जाएंगे अपने। तो अल्लाह हाफिज़।